Hello everyone. Today I am going to teach you notice writing. I am taking a solved example in order to explain how to write notice और उसमें आप किन किन headings का ध्यान रखेंगे. मान लीजिए आपका नाम दिशा है. You are a Disha, the head girl of Green Valley Convent School, Jind. Draft a notice, not more than 50 words. For house captains and vice captains to attend a meeting with principal and house in charges to allocate duties for checking of uniforms and newcomers, या latecomers. तो आप दिशा हैं जो कि हेड गर्ल हैं अपने स्कूल की. स्कूल का नाम है ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल, जिंद डिस्ट्रिक्ट है. और आपको 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं और एक नोटिस ड्राफ्ट करना है अपने हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के लिए कि मीटिंग प्रिंसिपल के साथ होनी है, हाउस इंचार्जेस के साथ होनी है. और उसका एजेंडा क्या है कि टू चेक द यूनिफॉर्म्स एंड लेट कमर्स. तो आइए अब देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को नोटिस में आप कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले आप अपने ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं, आप इसको अपना पेज मानिए. मेन हेडिंग यानी कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से इशू हो रहा है, तो आपका यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा. यानी कि जिस भी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन से नोटिस लिखा जा रहा है, के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है, उसका नाम सबसे टॉप पे बोल्ड लेटर्स में होगा. तो यहाँ पे ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल जिंद, ये पहला हेडिंग है विच इज़ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, जो भी डेट होगी. 14 जुलाई यहाँ पर 2010 लिखा है, आप अपना अकॉर्डिंगली डेट बदल सकते हैं. देन बीच में आपको नोटिस का एजेंडा लिखना पड़ेगा, यानी कि इमरजेंसी मीटिंग. आप कहीं कहीं देखेंगे कि यहाँ पे पहले नोटिस लिखा रहता है, यानी इवन ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल जिंद के ऊपर बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा रहेगा नोटिस, और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो भी ठीक है. अब आप डेट के बाद लिखेंगे हेडिंग, यानी कि किस लिए ये नोटिस इशू हो रहा है. तो यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, इसलिए ये इमरजेंसी मीटिंग का नोटिस है. नेक्स्ट आप अपना मैटर लिखना चालू करेंगे कि कौन कौन इसको अटेंड करेगा. तो हाउस एंड वाइस कैप्टन्स मस्ट अटेंड अ मीटिंग विथ द प्रिंसिपल एंड हाउस इन चार्जेस ऑन 20 जुलाई 2010 ड्यूरिंग रिसेस इन द स्कूल ऑडिटोरियम टू एलोकेट ड्यूटीज फॉर चेकिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड लेट कमर्स. और एंड में आप नेम एंड डेजिग्नेशन अपना डालेंगे, जो कि अपने का मतलब जो भी व्यक्ति नोटिस इशू कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा और किस डेजिग्नेशन पे है, किस पोस्ट पे है, वो पोस्ट नीचे ब्रैकेट में डालेगा. अब ये तो हो गया नोटिस. अब नोटिस में देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको किस तरह से हमने अरेंज किया है. तो सबसे पहले कौन कौन मीटिंग अटेंड करेगा, दूसरी बात क्या अटेंड करेगा, तो उसमें मीटिंग शब्द आना ज़रूरी है. फिर वो मीटिंग आखिर किन के साथ होनी निश्चित है, तो प्रिंसिपल एंड हाउस इंचार्ज. फिर है कि कब होनी निश्चित है, तो डेट डालना पड़ेगा और टाइम डालना पड़ेगा. फिर कहाँ होनी है मीटिंग, तो आपको स्कूल ऑडिटोरियम की जगह या प्लेस आपने बताई. फिर किस कारण से होनी है मीटिंग, एलोकेट ड्यूटीज़. अब ड्यूटी कौन सी, तो यूनिफॉर्म टू चेक द यूनिफॉर्म ऑफ लेट कमर्स. तो यानी आप ये 50 शब्दों के अंदर ही पूरी डिटेल जो किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं वो सब कुछ आपने इसमें एक ऑर्डरली वे में लिख दिया. तो ये फॉर्मेट होता है नोटिस का. आप क्वेश्चन से किस तरह से इसको ड्राफ्ट करेंगे, दिस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. मैं आपको क्लोजली इसको दिखा दे रही हूँ, आप इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसकी भाषा को, इसके तरीके को देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं उसको. आगे इसी तरह के और भी कुछ एक नोटिसेस मैं अपलोड कर दूंगी, विच विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. और आपने जैसे ही 4-5 नोटिसेस कर लिए फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी. सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. कीप लर्निंग. गुड बाय.